इंस्पायरिंग जर्नी है अमित कुमार जी, मतलब कहाँ मल्टीनेशनल लोगों के अखाड़े में आप नमकीन लेके कूद पड़े 10x10 के कमरे से और इतनी बड़ी कंपनी बनाई, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है। और आप जैसे तमाम मैन्युफैक्चरर्स मिलकर हमारे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेंगे शायद। हमारा इंडिया मार्ट का जो बिज़नेस है वो भी ज़्यादातर आपके जैसे मैन्युफैक्चरर्स और मोस्टली स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स से मिलके बना हुआ है। थोड़ा सा मैं पहले जानकारी दे दूं इंडिया मार्ट के बारे में, आज का साइज़ एंड स्केल, और उसके बाद मैं अपनी भी 10x10 के कमरे वाली कहानी सुनाऊंगा। आई गेस एवरीबडी इज़ ओके इन हिंदी और इंग्लिश, हाँ हिंदी इज़ फाइन, ओके। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड नानपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच, विच इज़ अबाउट 17 किलोमीटर्स फ्रॉम नेपाल बॉर्डर इन यूपी, एंड आई ओनली स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल ऑल अप टू 12th इन ए सरकारी स्कूल, तो इंग्लिश थोड़ी तंग है। गया मैं भी अमेरिका, लेकिन आज की तारीख में करीब 63 मिलियन ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, MSMEs इंडिया में हैं, और जो करीब 30% के आसपास इंडिया के GDP का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें करीब 18-1% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, बाकी सर्विसेज से आता है। लेकिन केवल 17-18% SME ही अभी इंटरनेट या ऑनलाइन किसी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स हार्डली 10 मिलियन SMEs ऐसे हैं, 1 करोड़ SMEs ऐसे हैं, और वो नंबर वैसे भी पता लगता है क्योंकि अगर आप GST रजिस्टर्ड SMEs की बात करें तो करीब 1.25 करोड़ लोग ही GST में रजिस्टर्ड हैं। तो जहां इंडिया में सारे पकौड़े वाले, सारे चाय वाले मिला लें तो 63 मिलियन SMEs हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मल इकोनॉमी में देखें तो केवल 1.25 करोड़ SME ही GST में रजिस्टर्ड हैं। इंटरनेट ने क्या किया? इंटरनेट के आने की वजह से एक तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, जहां लोगों के लिए एंटरटेनमेंट आया, ई कॉमर्स आया, एजुकेशन आया, वैसे ही बिजनेसेस के लिए एक एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और एक्सेस टू फाइनेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हुई। एंड दिस हैज़ बीन ओनली मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल कंप्यूटर दैट वी हैव इन आवर हैंड। फ़ोन तो ये थोड़ा सा छोटा सा काम फ़ोन का करता है, लेकिन ज़्यादातर ये पूरा कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। एंड इस डिजिटल इकोनॉमी की वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पहले जो रूरल का रूरल में डेवलपमेंट हो पाता था, अर्बन बायर अर्बन सामान ही खरीद पाता था, अब आप चाहे Tier 4 सिटीज़ में हैं, चाहे गांव में हैं, वहाँ बैठे बैठाए सामान आप मंगा सकते हैं, कहीं से भी कहीं आप कहीं से भी कहीं सामान बेच सकते हैं। ये केवल पॉसिबल हो पाया इंटरनेट की वजह से। तब तक एक मैं और स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। इंडिया मार्ट पे अकेले आज 83 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स हैं, जैसे 8.5 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड बायर्स हो चुके हैं, और करीब 55 लाख सप्लायर्स इंडिया मार्ट पर हैं, जो करीब 6 करोड़ प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी डिस्प्ले कर रहे हैं, और एवरी डे हम करीब 1.25 करोड़ के आसपास मैच मेकिंग करते हैं। 1.25 करोड़ कह रहा हूँ, 12 से 15 लाख के आसपास बायर सप्लायर की मैच मेकिंग करते हैं। और ये अगर आप थोड़ा नंबर्स को ध्यान से देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन केवल 1200 मिलियन की है, जिसमें से 82 मिलियन, तो इसका मतलब 1 in every 15th इंडियन इज ऑलरेडी यूजिंग इंडिया मार्ट इन सम आर द अदर मैनर फॉर बाइंग और सेलिंग समथिंग, एंड दैट्स That's the kind of penetration we have. Last year alone, we got about 200 million visitors on our platform, which is almost like 50% of Indian internet users coming to IndiaMart once every year. Another important thing is people think that in B2B or in advertising business, there is no repeat buyers. We have 55% buyers who are coming repeatedly back to IndiaMart every 90 days. Almost
39% of our suppliers are also buying through IndiaMart. And today we have offices across, 72 offices across the cities all over India. My story of 10 by 10 room, I also started from my house only. Ashirwad Enclave mein Patpadganj mein ek ghar hai. Aur wahin ke ek kamre se start kar diya. When I came in 1995 from US, I didn't come to create a large IPO-led business or something like that. I only came here to do a small business of website making. And how that small business in 98-99 suddenly, you know, started taking wings, ki ab to bada business banana hai. To aap sochiye ki 96 mein jab shuruaat ki, to pehle saal ka turnover kuch 6 lakh rupaye aur agle saal ka turnover kuch 24 lakh rupaye. Lekin uske teesre saal hi 98-99 mein yahan pe venture capital aur Rediff ka IPO aur Sifi ne 500 crore rupaye mein India World ko kharida aur utne din mein ek saal mein hum itne intelligent ho gaye ki humne proprietorship firm se seedha limited company bana di. Humne kaha private limited chhodo abhi 4-5 saal mein to IPO hi karna hai to seedha hi limited company bana di 1999 mein aur itni jaldi ye bhi seekh gaye ki ESOP bhi dena hota hai aur ESOP plan bhi bana diya aur bahut sare employees ko ESOP bhi de diya lekin fortunately wo bahut kaam aaya. Aaj mere paas kareeb 100 se zyada employees hain jo more than 10 years with us hain. So that has worked very well. 99 mein company banane ke baad bahut tezi se grow kiye hum. Dotcom ka burst bhi ho gaya. Dotcom ke burst hone ke baad bhi IndiaMart ek survivor ke roop mein nikal ke aaya aur pehli baar kisi magazine ke cover pe who is this man who is making profits karke ek cover story aayi business world ki 2001 mein, and we were flying in the seventh sky. Humne loan own lekar ke office ki zameen wagera le li sab kar liya. And as though luck would have it, jis din office ka bhumi poojan kiya aur uske agle din America mein terrorist attack ho gaya September 11 ka 2001 mein, aur hamara agle din revenue aadha ho gaya kyunki hamara jyada tar revenue exports ki wajah se aata tha aur exporters ka kafi nuksan hua uski wajah se, aur uske baad agle ek do saal tak kafi sannata raha. Mujhe achhi tarah yaad hai ki maine bhi MBA bhi join kiya tha usi samay mein, part time MBA sham ko ki main MBA bhi kar lunga, to wo MBA bhi nahi ho saka. Lekin uske agle 9 mahine mein shayad mere ko MBA se jab bahut zyada seekhne ko mila apne business mein hi kaise cost cut kari jaye, kaise employees ko roka jaye, kaise financial management kiya jaye, kaise naye customer badhaye jaye, kaise naya revenue badhaya jaye. To ek ye pura 1996 se 2001-2002 tak ka time tha jo kaise ek small business dream ko achanak se ek limited company with IPO and ESOP ke dream mein convert kar diya usne. Khair 2002 se cheeze sudharne lag gayi aur 2008 tak hum kafi acche usme aa gaye. Hum kareeb 50 crore ke revenue pe bhi pahunch gaye, acha khasa 10 crore ka profit bhi banane lag gaye. Aur us samay jab sab kuch bahut acha lag raha tha, tab achanak world ki crisis ho gayi. You know, 2008 mein the entire world went through complete change. Exports hamare yahan ke sab khatam hone lag gaye. Rupee dollar exchange rate 38 rupees se leke 54 rupees tak fluctuate kar raha tha. Aur achanak se pura dream jo IPO ke the, jabki us pure time mein sirf ek company IPO kar payi thi internet ka, wo tha 2006 mein naukri.com ka. Aur naukri.com has been a great company jisko hum log follow karte aaye hain internet ke naam pe. And उस समय वो कंपनी कुछ 800 करोड़ के मार्केट कैप से आईपीओ किया था, आज कुछ 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है naukri.com का. तो 15 साल लगे उनको वहां से यहां तक पहुंचने में. तो 2008 में हमारे सारे ड्रीम दोबारा से बंद हो गए कि अब क्या करना है, क्योंकि बिजनेस तो एक चल सकता है लेकिन ये बिजनेस अब आईपीओ तो कभी नहीं जाएगा. और एक बार आपके दिमाग में आईपीओ का कीड़ा बैठ गया 1999 में, फिर वो उतरता नहीं है. फिर आपको वो आईपीओ करके ही मानना है चाहे जैसे भी हो सके. तो वो एक जो कीड़ा है, क्योंकि तो फिर से पूरा बिजनेस रीहैश किया, रीडू किया. और 2008 में पहली बारी हमने वेंचर कैपिटल पैसा लिया इंटेल कैपिटल से $50 मिलियन के आसपास. और अगेन वी स्टार्टेड टू फ्लाई, अगेन वी स्टार्टेड. एंड मुझे याद है 2010 का टाइम था, हमने कहा बस अब 400 कस्टमर से 4000 कस्टमर इसी साल कर देंगे.
और उस साल में हमने 52 हफ्ते में 52 ऑफिस खोले, एवरी वीक वन ऑफिस, यू नो मुझे अच्छी तरह याद है 52 हफ्ते में 52 ऑफिस। एंड एज द लक वुड हैव इट, वो 400 कस्टमर महीने से जो हम शुरू किए थे, मार्च 2011 में हमने 4000 कस्टमर कर डाले, यू नो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दुख सदा रहता नहीं तो सुख का भी अंत है, थोड़ा उल्टा हो गया लेकिन है ऐसे ही। बाय द एंड ऑफ 2011 इट वॉज लाइक ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, मतलब लॉसेज ऑल अराउंड, एम्प्लॉयज लीविंग अस, कस्टमर्स लीविंग अस, आई वॉज अफ्रेड टू कम टू गैदरिंग लाइक दिस बिकॉज आई डोंट नो कौन हमारा कस्टमर निकल पड़ेगा, एंड वी हैड टू रीडू रीहैश एवरीथिंग। आई थिंक उस समय में हम एक नई टर्म शीट साइन करने वाले थे कुछ $100 million के उसके ऊपर, और वो इन्वेस्टर भी वॉकआउट कर गया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपन टू अस इन द टाइम, बिकॉज उसकी वजह से हमने जो अपना पूरा प्रोडक्ट रिहैश किया, पूरा मार्केट रिहैश किया, पूरी कंपनी को वापस से चलना सिखाया, एंड ओवर द नेक्स्ट 2-3 years अगेन वी फाउंड अवर मोजो, एंड टुडे as people will say rest is history, today we are listed, we listed on the 4th of July, about 10 days ago. Our stock is doing well, probably one of the only few stocks which are doing well after the IPOs. We continue to do well, and we need a lot of help and support from all of you to continue doing well. I don't know what kind of gyan I can give you, I just have some 4-5 lines. You know, as people say, there are no shortcuts, it takes time, and not it takes time, it just takes lifetime. So doing an IPO or thinking about it is not just it takes time, it just takes entire lifetime. And things won't happen the way you initially thought. They would evolve and you will adjust. They would evolve and you would adjust. Employees are your partners, because agar wo nahi honge to aapka kuch nahi ho sakta. And last but not the least, this is not an exit. People call IPO an exit. Exit hoga, ye investors ke liye hoga. But founders ke liye ye exit nahi hai. Ye entry hai. Aur kafi gruesome entry hai. Because uske baad quarter on quarter ka discipline chalu hoga. I think hum baat karenge pichle 2 saal mein kaisa raha Amit bhai ke saath. So it's not an exit. So it's a lifetime game. And it's not a shortcut. So it's not for entrepreneurs looking for 3-5 year exit. It's a writing your entire life towards a particular business or a particular nation or a particular cause. Thank you.